गाना। आज 20 सालों बाद रमेश अपनी दुल्हन नैना के साथ अपने गांव के अपने पुराने घर आता है। सभी लोग बहुत खुश थे। रूपा भी अपनी बहू का स्वागत करने में लगी थी। पर ये क्या, रूपा जैसे ही अपनी बहू की आरती उतारने जाती है, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, घर की लाइट चली जाती है और आरती का थाल का दीपक बुझ जाता है। माँ, माँ ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया? अरे बेटा, ये गांव है, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है और कभी भी लाइट चली जाती है। दीपाली बेटा, किचन से मोमबत्तियां तो ले आ। रूपा के कहने पर दीपाली किचन में मोमबत्ती लेने जाती है। लाइट ना होने की वजह से घर में काफी अंधेरा था, इसलिए दीपाली अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है। और टॉर्च ऑन करते ही उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैंने अभी यहाँ किसी को देखा? क्या सच में यहाँ कोई था या ये सिर्फ मेरा वहम था? अरे दीपाली बेटा, मिले कि नहीं मोमबत्ती? हाँ हाँ माँ, बस अभी लाती हूँ। दीपाली सारी बातों को भूलकर मोमबत्ती जलाती है और जैसे ही मोमबत्ती लेकर वापस बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक 10 साल की छोटी बच्ची खड़ी होती है। उस बच्ची की एक झलक देखते ही दीपाली डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। दीपाली की आवाज़ सुनकर शंकर और छोटा भाई पवन उसके पास पहुँचते हैं। क्या हुआ दीपावली बेटा? पापा, मैंने किसी को देखा। दीदी दीदी, यहाँ पर कोई नहीं है, अंधेरे में वहम हुआ होगा आपको। अब चलो, दरवाजे पर भैया भाभी कब से खड़े हैं। दीपाली भी इसे अपना एक वहम समझकर सबके साथ बाहर चली जाती है, जहाँ वो लोग अपनी भाभी का स्वागत करते हैं। नैना अपने पैरों से कलश को गिराकर थाल में पैर रखती है और घर के अंदर जाती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, मैं आपकी ननद नहीं, आपकी छोटी बहन और फ्रेंड की तरह हूँ, इसलिए कभी भी आपको ये लगे कि भैया आपको सता रहे हैं तो आप उनकी शिकायत मुझसे कर देना। भाभी भैया की शिकायत करे या ना करे, पर मुझसे और माँ से तेरी शिकायत जरूर करेगी। सभी आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। नैना भी घूंघट की अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। मुझे इसीलिए गांव पसंद नहीं, गांव में ऐसी ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने तो सुना है गांव में बहुत सारे भूत भी होते हैं और इस मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। बाय भाभी, हम कल बात करेंगे। अब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नैना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद रमेश अपने कमरे में आता है और देखता है कि नैना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर एक टक नजरें लगाकर देख रही थी। क्या हुआ नैना, बाहर क्या देख रही हो? मैं बाहर का मौसम देख रही हूँ रमेश जी। इस मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, अब हमें भी सो जाना चाहिए, चलो। इतना बोलकर रमेश सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है, पर नैना अब भी खिड़की के पास ही खड़ी होती है। रमेश के सो जाने के बाद नैना अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पास बैठकर रोने लगती है, जिसे सुन सास की नींद खुल जाती है। बहू, अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में बैठकर रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया? आपको पता है आपकी वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव वालों के कितने ताने सुनने पड़े। तू मेरी बहू नहीं है, कौन है तू? मम्मी जी, मैं आप ही की बहू हूँ, आपने मुझे अब भी नहीं पहचाना। इतना बोलते ही नैना की आंखें लाल हो जाती हैं, वो जोर जोर से हंसने लगती है।
मौसम का रुख बदल जाता है। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। देखते ही देखते नैना हवा में उड़ने लगती है और वो अपनी आंखों के इशारे से अपनी सांस को भी हवा में लटका देती है। तेरी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को ताने सुनने पड़े। तुमने जो पाप किया है, तुझे उस पाप की सजा मिलेगी और अब तेरी इस गलती की सजा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। इस तरह से नैना बड़ी ही बेरहमी से अपनी सांस को मार डालती है और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब घर वालों को कमरे में रूपा की लाश मिलती है तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कल तक माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ रात को कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई? सारी गलती मेरी है। बेटे की शादी की खुशी में मैं ही रात को घर वापस नहीं आया और चला गया अपने गांव के दोस्तों से मिलने। अगर रात को मैं अपनी रूपा के साथ होता तो शायद आज वो हमें छोड़ कर न जाती। घर में शोक का माहौल पसर गया था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बात कहीं ना कहीं पवन को भी समझ में आ रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक महीने के अंदर ही अंदर शंकर की भी मौत हो जाती है। पहले माँ छोड़कर चली गई और अब पिताजी, क्या हो गया है हमारे घर को? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। भैया ये घर सही नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। हमें यहाँ से वापस शहर चले जाना चाहिए। जहाँ रमेश, दीपाली और पवन का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं नैना अपने कमरे में बैठी आराम से मेकअप कर रही थी। दीदी दीदी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। पवन तू ये सब क्या कह रहा है? तू होश में तो है ना? अगर भैया भाभी ने तेरी ये बकवास बात सुन ली तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तू भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? दीदी आप खुद ही देख लो ना, हम जब से इस घर में आए हैं सब कुछ बदल गया है। शादी से पहले नैना भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर अब वो किसी से बात नहीं करती, ज्यादातर अकेले अपने कमरे में ही रहती है और कभी उनसे बात करो भी तो न जाने कैसी अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगती हैं। तू पागल हो गया है? आप समझती क्यों नहीं है दीदी? देखो ना, हमारे घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, पर भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी मेकअप कर रही है, आराम से खाना खा रही है। और दीदी आपको पता है जिस रात माँ की मौत हुई थी ना, उस रात मैंने भाभी को माँ के कमरे में जाते हुए देखा था। पवन की बातें सुन अब दीपाली के मन में भी शक पैदा होने लगता है और वो इस बारे में रमेश से बात करती है। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी। कौन हो तुम और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों सबकी जान ले रही हो? रमेश जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मम्मी जी पापा जी की जान क्यों लूंगी? मैंने कब कहा कि तुमने माँ पापा की जान ली? नैना तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम थोड़ी किसी को मारोगी। नैना तुम नैना ही हो ना? रमेश की ये बात सुनते ही नैना खाना छोड़कर गुस्से में सबको देखने लगती है। नैना की गुस्से भरी आंख को देखकर तीनों भाई बहन डर जाते हैं। तभी नैना जोर जोर से हंसने लगती है। मैं ही तो हूँ आपकी पत्नी गौरी। गौरी का नाम सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये गौरी? क्या है इस घर और घर वालों का राज? हमारे दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, कितने अच्छे दोस्त हैं दोनों। बस बड़े होने के बाद भी इनकी ये दोस्ती बनी रहे तो बच्चे कितने खुश रहेंगे। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अपने बेटे रमेश की शादी तेरी बेटी गौरी से करना चाहता हूँ।
इस तरह हमारे बच्चे भी हमेशा साथ रहेंगे और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। शंकर के इस बात से उसके दोस्त को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी की शादी रमेश से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्द दोनों परिवार मिलकर बचपन में ही रमेश और गौरी की शादी करा देते हैं। अरे शंकर, अपने बच्चों की शादी करवा कर हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल तो लिया, पर मैं चाहता हूँ कि अपनी गौरी का गौना 2 साल बाद करूँ, ताकि वो थोड़ी समझदार हो जाए। अरे हाँ हाँ दोस्त, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह समय बीतने लगता है। समय के साथ शंकर का कारोबार तरक्की पकड़ लेता है और 2 साल बाद शंकर अपने पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर लेता है। जब ये खबर उसके दोस्त को पता चलती है तो वो शंकर से बात करने उसके घर जाता है। शंकर, 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तू शहर भी जाने वाला है। मैं सोच रहा था कि तेरे शहर जाने से पहले गौरी का गौना कर दूं, ताकि तू अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा सके। ये तो कैसी बातें कर रहा है, रिश्तेदारी बराबरी वालों से होती है, और वैसे भी अब मैं, मेरा बेटा या मेरा परिवार कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानता। ये तू कैसी बातें कर रहा है दोस्त, जब हमने अपने बच्चों की शादी करवाई थी तब हम दोनों ही एक बराबर थे। पिछले 2 साल में तेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा क्या चल गया, तो पुराने रिश्ते ही तोड़ देगा। देख भाई, ऐसा मत कर। अगर तूने मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया तो कोई भी मेरी बच्ची से शादी नहीं करेगा। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार देख, वैसे भी बाल विवाह तो कानून मान्यता नहीं देता, फिर मैं कैसे दे दूं? तू अपनी बेटी के बड़े होने पर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा देना। वैसे भी तब तक ना उसे और ना ही गांव वालों को ये बात याद रहेगी। मेरे बेटे को बख्श दे मेरे भाई। इस तरह से शंकर अपने दोस्त के परिवार और गौरी को गांव वालों के ताने सुनने और जिल्लत से भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ अपने परिवार वालों के साथ शहर चला जाता है। अरे इनकी गौरी में ही कोई दोष होगा, तभी तो लड़के वालों ने इनकी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया और उसको यहाँ छोड़कर शहर चले गए। अब कौन थामेगा इसी लड़की का हाथ? अरे पता नहीं कैसा आदमी है जो गांव वालों के इतने ताने सुनकर भी सर उठाकर गांव में चल रहा है। अरे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता। हाँ, दिन रात लोगों की नजरों में अपने लिए ग्रहण देख और सबके ताने सुन सुन अब गौरी के पिता हिम्मत हारने लगते हैं और एक रात गौरी के माता पिता खुदकुशी कर लेते हैं। ये सदमा गौरी भी सहन नहीं कर पाती और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे परिवार की वजह से हम लोगों ने अपनी इज्जत और जान गवाई। इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वो भी अपनी जान लेकर। हंसते हुए अब नैना हवा में उड़ने लगती है। नैना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। गौरी की आत्मा उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, पैर उल्टे, चेहरा काला और बाल बिखर गए थे। अब गौरी अपनी शैतानी शक्तियों से घर के हर कोने को अपने काबू में कर लेती है और सीधी दीवार पर जाकर चिपक जाती है। मुझे अपना बदला चाहिए। बदला, बदला लूंगी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गौरी इतनी तेज चिल्ला रही होती है कि उसकी आवाज से घर के सारे कांच टूट जाते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है और ये सब देख कर तीनों भाई बहन के होश उड़ जाते हैं। बचाओ, भागो, भागो। उन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागता देख गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दीपाली घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे देख गौरी गुस्से में अपनी शक्तियों से तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दीपाली को हवा में उड़ा देती है। बाहर भागी थी, मुझसे बचकर भागना चाहती है। कोई नहीं बचेगा, आज तुम सब मरने वाले हो। अचानक घर में भूतिया आवाजें गूंजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, सोफा, टेबल, कुर्सी सब हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर रमेश, दीपाली और पवन की रूह कांप जाती है। घर में ये सब होते हुए और अपनी बहन को हवा में उड़ते हुए देख रमेश और पवन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे अपनी जान बचाएं।
इतने में गौरी अपनी आंखें दीपाली की तरफ करती है और अपनी शैतानी शक्तियों से उसका गला दबाने लगती है। भागने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे इस दुनिया से ही भगा दूंगी। इतना बोलकर गौरी दीपाली को उठाकर फेंक देती है और दीपाली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। दीपाली के पूरे शरीर में चोट के निशान होते हैं और वो उठ भी नहीं पाती। दोनों भाई भागते हुए अपनी बहन के पास जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम तीनों को तड़पा-तड़पा मारूंगी। अरे अरे, पर हमने क्या किया है? हम तीनों भाई बहन तो निर्दोष हैं। गलती तो हमारे माता पिता ने की थी और उन्हें तुम पहले ही मार चुकी हो, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पवन के इतना बोलते ही गौरी एक हवा के झोंके की तरह उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और रमेश को गुस्से भरी नजरों से देखती है। गलती मेरे परिवार की नहीं थी, को बड़ा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी पवन को हवा में उछाल देती है, जिस पर कमरे की छत से टकराकर जमीन पर आकर वो गिरता है। उसके सर और शरीर पर जगह जगह चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, जिसे देख अब रमेश से चुप नहीं रहा जाता। गौरी, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो। मेरे भाई बहन को छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। मरना तो सबको पड़ेगा। अरे पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर गौरी मैं प्लीज मेरे भाई बहन को छोड़ दो। उन्हें तो इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार यही चाहता था ना कि मैं तुम्हें अपना लूं। उस समय मैं बच्चा था, मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे इसी रूप में अपनाता हूँ। मेरे साथ जो करना है कर लो, बस मेरे भाई बहन की जान बख्श दो उनकी जान। रमेश की ये बात सुनकर गौरी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई बहन को नहीं मारूंगी, बट तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। अब रमेश गौरी के साथ छत पर जाता है और छत से नीचे को जाता है। रमेश के मरते ही गौरी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और इस तरह से रमेश खुद मरकर अपने भाई बहन को बचा लेता है।